नियंत्रक महोदय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप एक में पहल कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला दुर्ग तथा स्वास्थ्य समिति के प्रयास के तहत औषधि व नशे के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ सरस्वती के तैल चित्र पर उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर आयोजन का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 के स्टाफ द्वारा पुष्पहार और पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह द्वारा दवाओं के उपयोग दुरुपयोग से संबंधित जानकारी, नशीली दवाओं की पहचान, कालातीत औषधि की जानकारी, दवाओं के सही कीमत के बारे में जानकारी, संग्रहण परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया गया। इसके बाद चंद्रकला ठाकुर द्वारा नशे तंबाकू से सामूहिक दुष्प्रभावों, महिलाओं की भूमिका व कानूनी उपबंधों की जानकारी से भी अवगत कराया गया। फिर कविता तमरकार द्वारा कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव व छोड़ने के लाभ व तरीके के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में हर्ष देशमुख द्वारा दवाई सेवन दुष्प्रभावों की रिपोर्ट करने की उपयोगिता तथा तरीके भी साझा किए गए। इसके अतिरिक्त आयोजन में बतौर अतिथि उपस्थित हुए अन्य अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में किसी भी प्रकार के नशे को जीवन का अभिशाप बताया। आयोजन की जानकारी सहायक औषधि निरीक्षक बेनीराम साहू ने न्यूज टीम को दी है। बोले नहीं, बिल्कुल मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। दूसरा, एक वहां पे कम उम्र का बच्चा रहता है, उसे मारना रहता है। बोले नहीं, मैं इस बच्चे को क्यों मारूंगा, इससे पाप लगेगा, इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे को नहीं मारता। ये नशा मुक्ति के नशा से मुक्त करने के लिए जो आज के डेट में छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं नशा के वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम जन जागरूकता के तौर पे मितानिन लोग हैं और आंगनबाड़ी वाले हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस टाइप से लोग नशा करते हैं, जिसके कारण क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण परिवार भी के ऊपर दुष्परिणाम पड़ते हैं, और ये कहाँ से हो सकता है, जिससे हम आप लोग के थ्रू भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कहीं देखते हो तो हमको आप लोग सूचना दो कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, पुलिस को बताइए कि हम पुलिस वाले कार्रवाई कर सके या हम कार्रवाई कर सके कि आप लोग को कहीं पे दिखता है कि ये इस टाइप से घटना घट रही है या कोई खा रहा है या कोई बेच रहा है, तो उसके लिए एक जन जागरूकता के साथ साथ हम एक सूचना तंत्र भी मजबूत करना चाहते हैं मितानिन दीदियों उन लोग के साथ में, कि आप लोग घरों घर घूमते हो तो आप लोग को पता चलता है कि कौन से घर में किस टाइप से लोग हैं और किस टाइप से नशा वशा करते हैं, तो उनके पहुंच में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उन लोग को एक बार बैठा के हम आज ये वर्कशॉप कर रहे हैं। मेडिकल स्टोरों में जितने भी बेचे जा रहे हैं दवाई, उसको प्रिस्क्रिप्शन में बेचने का निर्देश जारी कर दिया गया, और जो दुकानदार नहीं इस टाइप से गलती कर रहे हैं उनके दुकानों का लाइसेंस भी निरस्तीकरण किया गया पहले भी, और सस्पेंशन भी किया गया है। अधिकतर अभी जितने भी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पुलिस के और खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई किया, तो उसमें इंटर स्टेट का ही रोल ज़्यादा है, इस यहाँ स्टेट के मेडिकल वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखने को मिला, तो जिससे कि जो डायरेक्ट बाहर से माल आ जा रहा है बेचने वालों तक, उसको और कड़ी को हम कैसे पकड़ सकें, इसीलिए ये जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि कहीं पे आप देखते हैं या मेडिकल वाला भी आपको अगर कहीं से पता चलता है कि वो बेचता है तो उसकी भी कंप्लेन कीजिए हमारे पास, जिससे कि हम कार्रवाई कर सकें। नशा मुक्ति पर आधारित कार्यक्रम में सहायक औषधि निरीक्षक बेनीराम साहू, औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह, चंद्रकला ठाकुर, ब्रिजराज सिंह, छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल, शाला की प्राचार्य जया तिवारी, पार्षद सत्यादेवी जायसवाल समेत कोटपा सेल दुर्ग से कविता ताम्रकार,
तथा ललित साहू, शिक्षकगण, मितानी एवं छात्र छात्राएं सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।